20 अप्रैल के बाद लॉकडाउन में समय परिवर्तन कर और कुछ दुकानों को खोलने की अनुमति देकर शासन ने लोगों को राहत देने की कोशिश की है, परंतु सख्ती में परिवर्तन समय से लोगों को राहत के बजाय परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ज्ञात हो कि परिवर्तन से पहले नगर में दुकानें खुलने का समय 12 से 6 बजे तक का था। इससे सब्जी मंडी शाम 3 बजे से शाम 6 बजे तक खुलती थी। परिवर्तन के बाद समय बदलकर सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक का कर दिया गया है। यूं तो समय के हिसाब से देखें तो 1 घंटे का अतिरिक्त समय बाजार को दिया गया है, परंतु इससे आसपास के गांव से आने वाले सब्जी व्यापारी तथा अन्य सामान लेने आने वाले ग्रामीणों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। विशेषकर सब्जी विक्रेताओं को कड़ी धूप में बैठना पड़ता है और शाम 4 बजे से दुकानें बंद करने के कारण सब्जियों की बिक्री भी ठीक से नहीं हो पा रही, जिससे उनको काफी नुकसान उठाना पड़ रहा है। पहले जो टाइम टेबल था कि 6 बजे तक, शाम 6 बजे तक, वो ठीक था। वर्तमान में अभी गर्मी के समय है, क्योंकि किसानों को, गांव के लोगों को साफ सब्जी बेचने आ रहे हैं, तो इसमें तो बहुत तकलीफ हो रही है। अलग समय सही था क्या? अभी सामान भी बिक नहीं रहा है और सब दुकानदारों को दिक्कत हो रहा है, गाँव के आदमी भी नहीं आ रहे हैं, तो सामान भी नुकसान जा रहा है सभी का। बहुत नुकसान क्या थे, दोबारा से 6 रही सब ठीक रही से वही समय ला हम लोग दवा सब्जी वाला खा। गर्मी को ध्यान में रखते हुए भी माननीय कलेक्टर महोदय के द्वारा जो समय था उसमें संशोधन करते हुए प्रातः 9 बजे से शाम को 4 बजे तक समय सीमा निर्धारित की गई है, और अभी तक तो ऐसी कोई शिकायत हमको प्राप्त नहीं हुई है कि किसी को विशेष कोई समस्या हो। अगर कोई ऐसी शिकायत आती है तो निश्चित रूप से उसमें उच्च कार्यालय का अवगत करें। जनता टाइम्स न्यूज़ के लिए सख्ती से राज शर्मा की रिपोर्ट।